तो नमस्कार, या फिर ध्रुव राठी के स्टाइल में कहूँ तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में ध्रुव राठी का चार्ट एनालिसिस करने वाले। तो बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि ध्रुव राठी का चार्ट लो और बताओ कि उसका पर्सनालिटी कैसा है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि इनका जो टाइम ऑफ बर्थ है और प्लेस ऑफ बर्थ है वो तो मेरे लिए अननोन था, वो तो पता नहीं था। तो बेस्ड ऑन इनका जो ट्रेट्स रहा, पर्सनालिटी ट्रेट्स और जो इनके पास्ट इवेंट्स रहे, तो उसके बेसिस पे मैंने थोड़ा एनालिसिस किया और मैंने थोड़ा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया, और उसके बेसिस पे जो मुझे सही लगता है कि ये बर्थ टाइम सही होना चाहिए और ये पर्सनालिटी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से फिर मैंने अपना जो एनालिसिस है यहाँ पे रखा है। तो ये फिर मैं आपको बताता यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कुछ जो ट्रेड्स थे जो मुझे समझ में आए तो वो ये थे कि सबसे पहला कि ये फेयर स्किन वाइफ, फेयर स्किन वाइफ, या फिर आप किसी को डेट कर रहे हैं द पर्सन इज़ वेरी फेयर स्किन, तो ये यूजली तभी होता है जब आपका वीनस और मून का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखा। दूसरा ये कि इनकी शादी हुई थी 2021 में, तो वहाँ पे मुझे लग रहा था कि वीनस की अंतर्दशा होनी चाहिए, सो विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेड्स दैट आई फाउंड। फॉरनर वाइफ है तो फिर वीनस का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो राहु या सैटर्न के साथ होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ ये कि एज अ पर्सन ये बहुत ही ज़्यादा ढीठ है, ढीठ इन द सेंस कि अगर कुछ सही होता है तो ठीक है वो तो मेरा पूरा ओनरशिप था, गलत भी होता है तो ठीक है, हाँ मतलब कि मैंने कॉन्फिडेंटली जा करके बोल दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये ऐसा होता है। और अनएथिकली अगर आप स्ट्रांग हेडेड हो जाओ, मतलब कि अपने अकड़ में ही रह जाओ, तो फिर ये मैंने देखा कि जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन और विथ राहू, तो ये इंसान को थोड़ा मैनिपुलेटिव और अनएथिकल साइड में ले जाता है, जहाँ पे मोरालिटी एथिक्स जाए तेल लेने और मुझे बस अपना जो एजेंडा है वो पूरा करना है। और यूजली आप इनके बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ आप देख सकते हो कि एजेंडा ड्रिवन होता है, तो और उसके लिए होता है क्या कि एथिकल अनएथिकल वो जाए साइड में। तो ये सारे ट्रेड्स मुझे देखे और इसके बेसिस पे मैंने थोड़ा फिर आगे पीछे करके देखा कि क्या सही हो सकता है क्या नहीं, तो मैं अपना एनालिसिस आपके साथ अब यहाँ शेयर करता हूँ। तो इसके बेसिस पे जो मुझे लगा तो ये चार्ट इनका बन रहा था, सुबह 5 बजे का जन्म मुझे दिख रहा था और इसी के आसपास जहाँ पे लग्न में सूर्य हो और यहाँ आपके दूसरे भाव में मून मरकरी जुपिटर वीनस एंड राहु का कॉम्बिनेशन हो। अब ये कॉम्बिनेशन ही क्यों, कुछ और कॉम्बिनेशन क्यों नहीं, इस कॉम्बिनेशन पे कैसे आए वो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। अब होता क्या है कि जब आपका सन लग्न में प्लेस्ड हो तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल होते हो, तो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट कर पाते हो, उसका जो एक फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स जो होते हैं, और या फिर आप ऐसा कहिए कि जो व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, तो वहाँ पे सन इन द एसेंडेंट ये बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरा ये कि मून इन द सेकेंड हाउस, अब यहाँ पे देखिए कि ये 29 डिग्री का है, मतलब कि अगर थोड़ा सा भी आगे चला जाए तो ये वृश्चिक राशि में हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन जो इंसान को मतलब कि बोलने में बहुत ही तेज़ बना देता है, फिर मून जुपिटर का कॉम्बिनेशन कि जो है इंसान बहुत ही ज़्यादा ढीठ बन के रह जाता है, सही हो सही गलत हो गलत, फिर यहाँ पे मून और राहु का कॉम्बिनेशन जो इंसान को थोड़ा वेवरिंग माइंड मैनिपुलेटिव ये भी बना देता है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि अगर ये 29 डिग्री का मून अगर थोड़ा सा भी आगे चला जाए तो फिर ये वृश्चिक राशि में चला जाता है, तो यहाँ पे वो सारे ट्रेड्स जो है वो कैप्चर नहीं हो पा रहे। ये एक बड़ा कारण था जो मुझे लगा कि क्यों इनका कन्या लग्न होना चाहिए। अच्छा, कन्या लग्न का एक और एस्पेक्ट क्या है ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं ऐसे लोग। कन्या लग्न यूजली आपके नेचुरल 6th हाउस का होता है, और 6th हाउस जो होता है वो आपका कैलकुलेशंस का और लॉजिकल रीजनिंग का जो एनालिसिस होता है उसका होता है, तो वहाँ पे जा करके अगर ये योग बनता है तो मतलब ये परफेक्टली मैच कर रहा था इनके साथ, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था क्यों मुझे लगा कि इनका कन्या लग्न होना चाहिए, तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट। दूसरा ये कि यहाँ पे वीनस का जो कॉम्बिनेशन राहु के साथ मून के साथ, सो स्पाउस विल बी वेरी ब्यूटिफुल वेरी गुड लुकिंग, तो ये है, बट क्योंकि राहु का यहाँ पे प्रेजेंस है तो रिलेशनशिप में भी इंसान मैनिपुलेटिव हो जाता है। अब यहाँ पे मैं कुछ और ट्रेड्स आपको बताता हूँ। एक और चीज़ देखिए कि ये जो सैटर्न है दैट इज़ इन द 6th हाउस, केतु यहाँ पे 8th हाउस में, यहाँ पे एक नेचुरल पाप कतरी योग बन गया। पाप कतरी योग का यहाँ पे 7th हाउस में बनने का ये अर्थ होता है कि मुझे मतलब कि बाकी दुनिया की कोई पड़ी नहीं है, मैं अपना मज़े में रहूँगा
और जो भी नेगेटिविटी है या फिर जो भी इश्यूज है वो मैं सामने वाले के ऊपर डंप करने वाला हूँ। तो मैं खुद मस्त रहूँगा लेकिन जो नेगेटिविटी है वो सामने वाले के ऊपर डंप कर दूंगा, उसको बहुत ही ज़्यादा लो फील करवाऊंगा। अपना जो माइंडसेट है वो तो जुपिटर के साथ, मरकरी के साथ और तीन शुभ ग्रहों के साथ है, तो अपना जो मोरल वैल्यूज़ है या फिर जो माइंडसेट है वो तो एकदम टॉप नॉच और पॉजिटिव ही रहना चाहिए। लेकिन मुझे सामने वाले को गिराना है तो ये यहाँ पे एस्पेक्ट हो जाता है। दूसरा ये कि मंगल यहाँ पे 11th हाउस में, अच्छा ऐसा क्या होता है ना कि मंगल अगर आपका 11th हाउस में हो जाए तो आप लाइफ को इन्जॉय बहुत ज़्यादा करते हो। ये मैंने यूजुअली ऐसे लोगों का देखा कि मंगल अगर 11th हाउस में होता है तो फिर बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बहुत घूमते हैं। और मैंने मतलब इनको ज़्यादा लोड लेते हुए देखा ही नहीं है। इवन दो अगर प्रॉब्लम इनमें है, प्रॉब्लम इनका होता है, उसके बाद भी ये लोग इन्जॉय करने में लगे रहेंगे। तो ये सारा जो पर्सनालिटी ट्रेट्स था वो ध्रुव राठी से काफ़ी हद तक मैच कर रहा था। मुझे काफ़ी हद तक लगा कि यही ध्रुव राठी का चार्ट है क्योंकि सारे के सारे एस्पेक्ट्स इनके यहाँ पे मैच कर रहे थे। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और थोड़ा समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप देखो तो 2021 में इनकी शादी हुई थी और इसी टाइम इनका वीनस शुरू हो गया था। अगर हम लोग मान के चले कि 5 बजे का इनका जन्म है तो उस हिसाब से तो ये सही बैठ रहा है। फिर यहाँ पे इतने सारे 4-5 ग्रहों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बन रहा है। जो सबसे लीथल पार्ट है वो ये है कि यहाँ पे देखिए मून इतने सारे पॉजिटिव ग्रहों के साथ है और राहु के साथ। मून राहु का एक कॉम्बिनेशन जो लोग ज्योतिष में बहुत टाइम से उनको तो पता होगा कि इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाता है या उसका माइंड बहुत ज़्यादा वेवर करने लग जाता है। तो इसके लिए क्या होगा कि ध्रुव राठी को आप आज कुछ करते हुए देखोगे, कल कुछ और करते हुए देखोगे, परसों कुछ और करते हुए देखोगे। और इसके लिए आप उनको अगर बोलोगे कि यू शुड बी अपोलोजेटिक अबाउट इट, यू शुड बी फीलिंग गिल्टी अबाउट इट कि आपने अपना स्टैंड चेंज कर दिया, तो वो उल्टा आपके ऊपर आ करके पूरा नेगेटिविटी डंप कर देंगे। तो ये एस्पेक्ट यहाँ पे आ जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ये लीथल कॉम्बिनेशन है। तो सारा का सारा नेगेटिविटी अपने ऊपर डम करो, खुद हमेशा पॉजिटिव रहो और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको पूरी तरह से मैनिपुलेट करते रहो, पूरी तरह से उनको ब्रेन वॉश करते रहो। तो ये सारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा था। तो जब मैंने पहले इनका स्टार्ट किया और मैंने सोचा कि सही कुंडली पर पहुँच पाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और ये सारे ट्रेड्स मुझे दिखते गए तो उसके बाद मुझे पूरा एनालिसिस बहुत आसानी से मेरा हो गया, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो दिस इज़ अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन। और अब इसका क्या होता है कि ये आपने मैनिपुलेशन और आपने फैक्ट्स को ट्विस्ट करने का जो काम है वो तो यहाँ पे किया, लेकिन इसके बाद क्या है कि अब आपके साथ क्या होगा। क्योंकि ये जुपिटर राहु का जो कॉम्बिनेशन है, ये अगर आप कहीं पे अनएथिकल कुछ काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपके साथ ही हमेशा अच्छा होगा, कभी ना कभी ये बैकफायर तो करने वाला है। तो इनके लिए वो जो बैकफायरिंग वाला जो फेज़ है वो शुरू होता है 2027 में। 2027 से लेकर के यहाँ पे 28 एंड 29 ऑल्सो, तो ये फेज़ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने वाला है। यहाँ पे इनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहेंगे और उसके बाद जा करके 30 ऑनवर्ड्स इट विल बी अ लिटिल बेटर। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत हद तक लगता है कि मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम इनके लिए आने वाले हैं। आप ऐसा समझिए कि कोई भी एक एजेंडा अगर चल रहा है, कोई भी प्रोपेगेंडा अगर चल रहा है, तो उसका एक बबल होता है। वो एक बबल कुछ टाइम तक जाएगा, बढ़ेगा आगे, उसके बाद उसको तो एक्सप्लोड करना ही पड़ेगा। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वो सेम एस्पेक्ट है। तो इन शॉर्ट अगर मुझे इस कुंडली का निष्कर्ष निकाल करके आपको देना है एक फाइनल आउटपुट, तो द पर्सन इज़ वेरी नेगेटिव, एक्सट्रीमली नार्सिसिस्ट, सेल्फ ऑब्सेस्ड है खुद को लेकर के, और सामने वाले के ऊपर सारी नेगेटिविटी ये डंप कर देगा। और अनएथिकल इतना ज़्यादा है कि अगर आप इनको आकर के बोलो कि नहीं तुम्हारी गलती है तो ऐसा नहीं होगा, ये सारा गलती आपके ऊपर थोप करके चले जाएंगे और खुद हमेशा पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखेंगे। तो एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप मतलब कोई भी काम कर रहे हो तो इतना ज़्यादा आपको अनएथिकल होना पड़ता है, इतना ज़्यादा अपने आप से झूठ बोलना पड़ता है, तब जा कर के आप ऐसा कर पाते हो। यहाँ पे जा कर के आपको बहुत सारी माइंडसेट समझ में आती है। जैसे अगर दाऊद इब्राहिम ने
इतना सारे बम ब्लास्ट किए मुंबई में और उसको मतलब कि कोई भी गिल्टी फीलिंग नहीं है, तो क्यों ऐसे लोगों को लगता है? हिटलर ने अगर इतने सारे लोगों को मरवा दिया और उसको ज़रा सा भी गिल्टी फीलिंग नहीं है तो क्यों ऐसा होता है? यहाँ पे जाकर के इस चार्ट में भी सेम एस्पेक्ट है। तो पॉजिटिवली सब कुछ पोर्ट्रे करना कि ऐसा है वैसा है, लेकिन अंदर से जो मैनिपुलेशन चल रहा है और अंदर से जो एजेंडा चल रहा है वो फिर अगर आप समझ पाते हो तो आपको लगता है कि कितना एक नेगेटिव ईगो इंसान को आगे पुश करते जा रहा है। तो दिस वॉज माई एनालिसिस, और कुछ टाइम बाद इनका बबल फूटेगा। जब वो बबल फूटेगा तो फिर हम लोग सब कुछ देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।